नमस्कार स्टूडेंट्स, आई एम केवेंस डॉक्टर राजू कुमावत, फैकल्टी ऑफ एग्रीकल्चर एंड वेटनरी साइंस। टुडे आई विल डिस्कस फार्म मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स। अंडर फार्म मैनेजमेंट एंड प्रोडक्शन इकोनॉमिक्स टुडे आई विल डिस्कस कॉस्ट, मीनिंग एंड कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट एंड इट्स टाइप। सो डिफाइन टू कॉस्ट। कॉस्ट कैन बी डिफाइन एज द मॉनेटरी वैल्यूएशंस ऑफ द एफर्ट्स, मटेरियल, रिसोर्सेज, टाइम एंड utilities consumed, risk incurred and the opportunity foregone in the production of the good or services। so cost जो होती है वो measurable होती है, इसको अपन measure कर सकते हैं in term of money के अंदर, होती है अपनी cost। कोई भी चीज़ अगर अपन परचेज कर रहे हैं, परचेज करने के बाद में उसमें जो अपन पैसा देते हैं, उसको जो अपन पे करते हैं, वो कैश एंड काइंड के अंदर अपन पे कर रहे हैं, उसको अपन बोलते हैं cost। जो कॉस्ट होती है वो एक्सपेंडिचर में भी अपन उसको एक्सपेंडिचर भी अपन कर सकते हैं, उससे अपन चीज़ें भी परचेज कर सकते हैं, और उससे जैसे रॉ मटेरियल पे खर्च करके उससे अपन प्रॉफिट भी अर्न कर सकते हैं, वो होती है अपनी कॉस्ट। नाउ टाइप ऑफ कॉस्ट, तो अपन कॉस्ट को ना डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के अकॉर्डिंग अपन इसको डिवाइड कर सकते हैं, इसके पार्ट्स को अपन डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इसका जो पार्ट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के बाद में है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, फिर है ऑन द बेसिस ऑफ सेंसिटिविटी, फिर है ऑन द बेसिस ऑफ पर्पस, ऑन द बेसिस ऑफ पेयर, ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट के अकॉर्डिंग अपन कॉस्ट को दो भागों के अंदर या दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट है अकाउंटिंग कॉस्ट, सेकेंड है इकोनॉमिक कॉस्ट। सो सबसे पहले अपने को पता होना चाहिए कि अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होती है और इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है। तो अकाउंटिंग कॉस्ट आर दोज फॉर विच द एंटरप्रेन्योर पे द डायरेक्ट केस और प्रोड्यूसिंग द रिसोर्सेज फॉर द प्रोडक्शंस, दीज इंक्लूड कॉस्ट ऑफ द प्राइस पेड फॉर द रॉ मटेरियल एंड मशीन्स, वेजेज पेड फॉर द वर्कर्स, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, द कॉस्ट इंक्लूड द हायरिंग और परचेजिंग ए बिल्डिंग और ए प्लॉट एक्सेट्रा। अकाउंटिंग कॉस्ट आर द ट्रीटेड एज ए एक्सपेंसेज। सो अकाउंटिंग जो कॉस्ट होती है अपन इसको अगर पे कर रहे हैं वो केस के अंदर अपन पे कर रहे हैं, उसको काइंड के अंदर अपन पे नहीं कर रहे हैं, वो होती है अपनी अकाउंटिंग कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट के अंदर अपन देख सकते हैं कि अगर अपने को रॉ मटेरियल परचेज करना है तो उसके लिए जो अपन कॉस्ट दे रहे हैं वो हो गई अपनी अकाउंटिंग कॉस्ट, और अपन बेच जैसे लेबर को, अगर लेबर के अपने फील्ड पर लेबर को काम करा लिया उसके 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 अकॉर्डिंग उसको अपन बेच पे कर रहे हैं तो वो हो गई अपनी अकाउंटिंग कॉस्ट। इलेक्ट्रिसिटी जो बिल्स वगैरह है, चार्जेस वगैरह अपन पे कर रहे हैं तो वो हो गई अपनी अकाउंटिंग कॉस्ट। अब अपन चलते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होती है, इकोनॉमिक जो कॉस्ट होती है वो अपन एक्सपेंडिचर या रॉ मटेरियल पे जो अपन एक्सपेंडिचर कर रहे हैं वो होती है अपनी इकोनॉमिक कॉस्ट। इकोनॉमिक कॉस्ट मीन्स देर आर द सर्टेन कॉस्ट द अकाउंटिंग कॉस्ट डिसरिगार्ड्स दिस इंक्लूडिंग मनी विच द एंटरप्रेन्योर फॉरगोन बट यू हैव द अर्न हैव द इन्वेस्टेड हिज टाइम एफर्ट्स एंड इन्वेस्टमेंट्स इन द अदर वेन्यूचर्स। फॉर एग्जाम्पल द एंटरप्रेन्योर्स वुड हैव द अर्न एन इनकम हैड ही सोल्ड हिज सर्विसेज टू अदर इंस्टेंट ऑफ द वर्किंग ऑफ हिज ओन बिजनेस। सो जो इकोनॉमिक कॉस्ट जो होती है वो क्या होती है, इकोनॉमिक कॉस्ट अपन पॉइंट ऑफ व्यू इकोनॉमिक कॉस्ट से देखें तो इकोनॉमिक कॉस्ट जो होती है जनरली काइंड ऑफ एक्सपेंडिचर होती है और इसको अपन इंक्लूड कर सकते हैं इकोनॉमिक कॉस्ट से। इकोनॉमिक कॉस्ट बेसिकली दो तरीके की होती है, इसको अपन कह सकते हैं एक तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट होती है और एक इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है। एक्सप्लिसिट कॉस्ट नाम से जिसे पता चल रहा है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो अपने को दिखाई देती है, कोई भी अगर पे कर रहे हैं अपन पैसा वगैरह तो अपने को वो दिखाई देता है कि अपन ने कहाँ उसको एक्सपेंडिचर किया, होती है अपने एक्सप्लिसिट कॉस्ट। फिर होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है, अगर अपन ने जो कॉस्ट पे की लेकिन पे करने के बाद में वो आपको दिखाई नहीं देती, उसका पता नहीं चलता कि अपन ने कहाँ पे की, वो होती है अपनी इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट के अगर अपन एग्जाम्पल दे, जैसे अपन ने सीड खरीदा, फीड खरीदा, फर्टिलाइजर खरीदा, उनके लिए अपन अगर कोई भी पैसे अपना पे कर रहे हैं तो वो हो जाएगी अपनी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है अगर आपने अपने आपके खेत में खुद ने काम किया और आपने जो फैमिली लेबर है उनको आप पे कर रहे हो, वो हो जाएगी आपकी इम्प्लिसिट कॉस्ट। जो इकोनॉमिक कॉस्ट जो होती है वो इक्वल होती है एक्सप्लिसिट कॉस्ट प्लस इम्प्लिसिट कॉस्ट के, और जो इसको अपन ग्रोस प्रॉफिट जो होता है इम्प्लिसिट इकोनॉमिक कॉस्ट का वो इक्वल होता है ग्रोस रिटर्न में से माइनस करेंगे अपन एक्सप्लिसिट कॉस्ट को तो वो जाएगा अपना ग्रोस प्रॉफिट।
ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस जो अपने खर्चे हैं उसके अकॉर्डिंग अपन जो कॉस्ट है उसको अपन डिवाइड कर सकते हैं तो टू पार्ट्स के अंदर। एक तो होता है आउटले कॉस्ट, एक होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आउटले कॉस्ट क्या होती है? द एक्चुअल एक्सपेंसेस इंक्रीड बाय द एंटरप्रेन्योर इन द एम्प्लॉइंग इनपुट्स आर कॉल्ड आउटले कॉस्ट। आउटले कॉस्ट वो होती है अगर कोई भी एंटरप्रेन्योर है वो कॉस्ट को एक्सपेंडिचर कर रहा है जैसे इनपुट्स परचेज करने पर या इनपुट एम्प्लॉइंग के लिए, तो वो होती है अपनी आउटले कॉस्ट। इट दिस इंक्लूड कॉस्ट ऑन द पेमेंट ऑफ बेस रेंट, इलेक्ट्रिसिटी और फ्यूल चार्जेस, रॉ मटेरियल एक्सेट्रा। अभी वी ट्रीटेड देम आर द जनरल एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेस। सो अपन जो आउटले कॉस्ट है इसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट भी कह सकते हैं क्योंकि ये अपने को दिखाई देती है, जैसे मैंने बिल रॉ मटेरियल खरीदा या फिर अपने फुल चार्जेस पे किए, इलेक्ट्रिसिटी बिल पे किया या फिर लेबर को पेजेस दिए, वो सारी कौन सी कॉस्ट होती है? अपने आउटले कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब ये होता है अपने पास दो कमोडिटी है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक जॉब है, एक जॉब फॉर एग्जाम्पल आपके पास, मैं एग्जाम्पल देखिए बताऊँ इन सर्विस के, इन सर्विस का मैं आपको एग्जाम्पल देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को डिफाइन करना चाहती हूँ। आपके पास जॉब है, आप प्राइवेट जॉब कर रहे हो, एट प्रेजेंट प्राइवेट जॉब के दो कॉलेजेस है, एक कॉलेज में जिसमें आप ऑलरेडी अगर जॉब कर रहे हो उसमें आपको पेमेंट कर रहे हैं 30,000, 30,000 पेमेंट कर रहे हैं, और आपके पास एक महीने के बाद में ऑफर आया कि दूसरे कॉलेज से वहाँ आपको दे रहे हैं 35,000। आप क्या करोगे? आप जो 30 वाली जॉब छोड़ के आप 35 वाली जॉब पे जा रहे हो, जो 35 है वो तो आपके लिए फॉरगॉन हो जाएगी और जो अपन जा रहे हो वो हो जाएगी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपके पास अवसर मिल रहा है आपको ज़्यादा अर्न करने का, तो वो हो जाएगी आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर द इनकम फ्रॉम द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव डेट इज द फोरगोन वेन द एंटरप्रेन्योर मेक द सर्टेन चॉइस। सो ये चॉइस पे डिपेंड होता है, जैसे मैंने कॉलेज का एग्जाम्पल लिया, मुझे एक तो पेमेंट करा 30,000, एक करा 35, तो मैं 35 को प्रेफर करूंगी, तो जो मेरे लिए जो 30 वाली जो जॉब हो जाएगी वो फोरगोन हो जाएगी और जो नेक्स्ट हो जाएगी वो मेरे लिए अपॉर्चुनिटी हो जाएगी, वो होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल द एंटरप्रेन्योर कुड हैव द अर्न द सैलरी हैड टू वर्क फॉर द अदर instead of the spending time on his own business, this cost calculated the missed opportunity and the calculate income that we can the earn by the following some other policies. Now on the basis of transitivity, according to transitivity, cost are two type, direct cost or indirect cost. Direct cost are related to specific process or products, they called a traceable cost as we can directly track to them a particular activity, product process, they vary charge in the activity or product. Example, direct cost including manufacturing cost relating to the production, customer acquisition cost relating to a sale, etc. डायरेक्ट कॉस्ट जो होती है अपनी जो प्रोडक्शन कॉस्ट, अपन प्रोडक्शन पर जो कॉस्ट लगा रहे हैं या मैन्युफैक्चरिंग जो प्रोडक्ट बना रहे हैं उनमें जो कॉस्ट लगा रहे हैं वो हो जाएगी अपनी डायरेक्ट कॉस्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट जो होती है, इनडायरेक्ट कॉस्ट के अपन एग्जांपल देख सकते हैं, एन इंक्रीज इन द चार्जेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी टैक्स पेबल ऑफ द इनकम। जो भी अगर इनडायरेक्ट कॉस्ट जैसे कि अपन प्रोडक्शन पे लगा रहे हैं वो तो अपनी डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगी। इनडायरेक्ट कॉस्ट जैसे अपन जैसे कि टैक्सेस अपन पे कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी का चार्जेस है वो पे कर रहे हैं, वो हो जाएगी अपनी इनडायरेक्ट कॉस्ट। ऑन द बेसिस ऑफ पर्पज, पर्पज के अकॉर्डिंग कॉस्ट दो तरीके की होती है, एक तो होती है एक तो इंक्रीमेंटल कॉस्ट होती है और एक सम कॉस्ट होती है। इंक्रीमेंटल कॉस्ट जो होती है इसको अपन फिक्स्ड कॉस्ट भी बोल सकते हैं। दीज कॉस्ट आर इंक्रीड विन द बिजनेस मेक के पॉलिसी डिसीजंस, फॉर एग्जांपल चार्ज ऑफ द प्रोडक्ट लाइन, एक्विटेशन ऑफ द न्यू कस्टमर्स, मशीनरी टू इंक्रीज आउटपुट एंड इंक्रीमेंटल कॉस्ट। एंड सम कॉस्ट, सम कॉस्ट आर दोज कॉस्ट which is entrepreneur has the already incurred and the cannot recover then the again now. These include money spent on the advancing the conditions, research and the acquiring machinery. So sunk cost जो होती है अपन क्या करते हैं, जो sunk cost को अपन fixed cost भी बोल सकते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर क्या होता है, अपन ने किसी चीज़ पे कॉस्ट लगाई तो वो क्या है उसकी फिक्स्ड हो जाएगी, उसके अंदर अपन कोई चेंजेस नहीं कर सकते हैं। एक बार आपकी कॉस्ट लग गई तो वो लग गई, उसको ये आप उसके अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। आपने फॉर एग्जांपल कोई चीज़ मैन्युफैक्चर की, मैन्युफैक्चर करने के बाद में आपने उस पर जो मनी स्पेंड किया, आपका पैसा जो स्पेंड किया, आपने पैसा लगाया,
वो पैसा है ना वो आपको वापस नहीं मिल सकता है, वो आपका फिक्स हो गया उस पर, वो कॉस्ट आपकी एक्सपेंडिचर हो गई, वो होती है अपनी संक कॉस्ट। संक कॉस्ट जो होती है उसको अपन फिक्स्ड कॉस्ट भी कह सकते हैं। जो फिर ऑन द बेसिस ऑफ पेयर, पेयर के अकॉर्डिंग एक तो प्राइवेट कॉस्ट होती है, एक सोशल कॉस्ट होती है। प्राइवेट कॉस्ट के अंदर जैसे एग्जांपल ले सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन, सेल एक्सेट्रा पे जो अपन करते हैं वो जाएगी। प्राइवेट कॉस्ट जो होती है वो इंक्लूड होती है बिजनेस सेक्टर से, जो बिजनेस के अंदर अपन कॉस्ट लगाते हैं, जैसे अपने को हाई प्रॉफिट अर्न करना है उसके लिए अपन कॉस्ट स्पेंड कर रहे हैं या कोर्सेज अपनी कॉस्ट लगा रहे हैं, मनी स्पेंड कर रहे हैं, तो वो हो गई अपनी प्राइवेट कॉस्ट। सोशल कॉस्ट जो होती है, सोशल कॉस्ट होती है इसके अंदर जैसे कि अपने वाटर रिसोर्सेज पे लगा रहे हैं, एनवायरमेंटल पॉल्यूशन के ऊपर जो कॉस्ट लगा रहे हैं या फिर एटमोसफेयर पे जो कॉस्ट लगा रहे हैं, वो हो जाएगी अपनी सोशल कॉस्ट। ना ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी, वेरिएबिलिटी के अकॉर्डिंग दो तरीके की कॉस्ट होती है, जो अपन जनरल इकोनॉमिक्स के अंदर दो ही कॉस्ट अपन यूज में लेते हैं, एक तो फिक्स्ड कॉस्ट होती है, एक वेरिएबल कॉस्ट होती है। फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है इसको अपन इनडायरेक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं, ओवरहेड कॉस्ट भी कह सकते हैं और संक कॉस्ट भी कह सकते हैं। जो फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है इसके अंदर, ये इसके अंदर जो फैक्टर्स होते हैं ना वो फिक्स्ड होते हैं, लेवल ऑफ प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के साथ साथ इसके जो फैक्टर्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, वो वेरिएबल नहीं होते, वो प्रोडक्शन के साथ वेरी नहीं करते हैं, वो होती है अपनी फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट के बाद में अपन देखते हैं वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट के अगर अपन एग्जांपल ले तो फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर जैसे बिल्डिंग पे अपन कॉस्ट लगाते हैं वो फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी, मशीनरी है वो भी फिक्स्ड कॉस्ट हो जाएगी, टैक्सेस है, इंश्योरेंस है, पेमेंट टू द परमानेंट लेबर है, सैलरी और पर्सन है, ये सारी अपनी क्या हो जाएगी, फिक्स्ड है, हो जाएगी फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट के जो फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर अगर अपन इसका जो ग्राफ देखे तो इसका जो ग्राफ होता है ना वो हॉरिजेंटल होता है और पैरेलल होता है एक्स एक्सिस के। फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो परफेक्टली इलास्टिक होती है। परफेक्टली इलास्टिक का अर्थ होता है कि इसके अंदर डिमांड तो क्या होती है, ज़्यादा होती है कंपेयर टू द प्राइस, वो होती है अपनी फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है। इसका डिमांड कर्व कैसा होता है, इसके अंदर परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कर्व। फिर अगर अपन चलते हैं वेरिएबल कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल कॉस्ट जो होती है इसको अपन डायरेक्ट कॉस्ट भी कह सकते हैं, ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं, सर्कुलर और रनिंग कॉस्ट भी कह सकते हैं, और इसको अपन प्राइम कॉस्ट भी कह सकते हैं। इसके अंदर कॉस्ट क्या होती है, ये वेरी होती है ओवर द प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के साथ साथ ये ओवर टाइम वेरी करती है, इसके अंदर अपन चेंजेज कर सकते हैं, वो होती है वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट जो होती है इसके अंदर इसके एग्जांपल अपन देख सकते हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल पे कॉस्ट लगाते हैं, सीड फीड फर्टिलाइजर पे, फ्यूल पे, पावर यूज, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट हो गई, मेंटेनेंस चार्जेस हो गए, लेबर वेजेस हो गए, ये सब अपनी क्या हो गई, वेरिएबल कॉस्ट हो गई। वेरिएबल कॉस्ट के अंदर जो डिमांड कर्व होता है ना वो इन्वर्स एस शेप के अंदर होता है, इसका जो कर्व होता है वो कैसा होता है, एस शेप के अंदर होता है, इन्वर्स एस शेप होता है, वो होती है अपनी वेरिएबल कॉस्ट। थैंक यू, आई होप ऑल आर यू सेटिस्फाइड विथ माई डिजिटल सेशन। इफ यू हैव एनी क्यूरी प्लीज कमेंट इन कमेंट बॉक्स। थैंक यू।